नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जयपुर एक्जोटिक बर्ड्स इन्फो में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड सभी हेल्दी और सेहतमंद होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोकाटेल्स जब एग ले कर दें, यानी कि कोकाटेल्स जब अंडे दे दें, उसके बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम यही सारी बातें कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब कीजिए जयपुर एक्जोटिक बर्ड्स इन्फो को और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप लोगों को सारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले मेरे कोकटल की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखा देता हूँ, और दिखा देता हूँ किस किस पेयर ने एग ले किया है। तो सबसे पहले आइए, मैं पहला बॉक्स आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों, हमें जब भी बॉक्स को ओपन करना होता है तो एक बार हमें बॉक्स बजा देना होता है, ताकि कोकाटेल हमारा डिस्टर्ब नहीं हो। उसके बाद दोस्तों, हमें खोलना होता है। ये देखिए, फीमेल अपने अंडों को प्रोटेक्ट कर रही है। आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ फीमेल अपने अंडों को इस जगह प्रोटेक्ट कर रही है, और तीन एक दिए हैं, हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे दोस्तों इनको। और ये मेल बाहर बेचैन हो रखा है। अब अगले बॉक्स पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों, अभी मैंने खाना देने के लिए निकला था तो ये दोनों बाहर आ गए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, इन्होंने अभी दो अंडे दिए हैं। इनके माता पिता यहाँ पे बाहर हैं, और इसमें दोस्तों मोस्टली मेरे को मेल बैठा हुआ अंडों पे दिखता है। अब दोस्तों, ये तीसरा बॉक्स है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, तो थोड़ा सा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इनको चोट नहीं लग जाए पिंजरे में। ये देखिए दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, केवल आपको प्रोग्रेस दिखाऊँगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मेरे कोकाटेल के तीनों पेयर ने एग ले कर दिए हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था जब मैंने बॉक्स सेट किया था। उसके बाद से दोस्तों, तीनों पेयर ने मेरे एग ले कर दिए हैं। अब दोस्तों, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब कोकटेल दोस्तों एग दे देता है? तो सबसे पहले दोस्तों, आप देखेंगे कि इनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये जो पेयर होता है, ये अपने बच्चों को, अंडों को लेके और प्रोटेक्टिव हो जाता है और थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। यानी कि जैसे ही हम इनके पिंजरों के पास जाते हैं और इनको खाना पानी डालते हैं, तो आप देखेंगे कि ये पंख खोल के खड़े हो जाते हैं या पिंजरे में बहुत ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, चिल्लाते हैं। तो दोस्तों, इनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये इनका नेचर है। ये और प्रोटेक्टिव हो जाते हैं जब ये एग ले करते हैं। अगला दोस्तों, जब भी अंडे देना चालू करते हैं, तो जिस दिन आपको पहला अंडा दिखे आपके बॉक्स में, उस दिन को आप नोट कर लेना कहीं पे, डायरी पे, या आप जहाँ पे भी उसको डेट को नोट करके रखना चाहें। उससे दोस्तों होगा कि आपको मदद मिलेगी, कि आपको पता चल जाएगा कि आपके कोकटेल के बच्चे अंडे में से कब निकलेंगे, यानी अंडा कब हैच होगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को लिख के रख लेना है। इसके अलावा दोस्तों, हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब भी अंडे ले करना चालू कर दे, तो हमें बार बार इनका बॉक्स नहीं खोलना है, बार बार हमें इनके बॉक्स को चेक नहीं करना है। इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्राइवेसी देनी है, और हमें ये भी बात का ध्यान रखना है कि जब भी अंडे ले करना चालू कर दें और अंडों पे बैठना शुरू कर दें, तो इनके पिंजरे के आसपास ज़्यादा व्यक्ति ना जाएं, या ज़्यादा कोई जानवर या कोई ऐसा, हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। कहने का मतलब यह है कि इनको पूरी तरीके से प्राइवेसी देनी है। हम जितनी अच्छी प्राइवेसी देंगे, ये अपने एग का हैचिंग उतनी अच्छी तरीके से कराते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो इस समय जो इनको खाना देना है हमें, उसमें हमें हमेशा कैल्शियम की मात्रा भरपूर रखनी है।
कैल्शियम और विटामिन्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो आप इनको अच्छे से अच्छा खाना दीजिए। सर्दी आ चुकी है दोस्तों, आप इनको मेथी का साग भी दे सकते हैं, जो मेथी आती है, ग्रीन मेथी आती है, आप वो भी दे सकते हैं। उससे इनमें गर्मी भी बनी रहती है और इनके सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों आप, और एग फूड दे सकते हैं। एग फूड अभी बेहतरीन सोर्स है, राइस दे सकते हैं कभी कभी इनको। और ये सब चीज़ें दोस्तों बच्चे निकलने के बाद भी बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, जब भी बच्चे निकलना चालू होते हैं, आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे निकलना चालू होते हैं, आपको सॉफ्ट फूड डेली बेसिस पे रखना चालू करना है, और थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट फूड देना है। जैसे नॉर्मल डेज में आप जितना सॉफ्ट फूड देते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट फूड रखना है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जल्द ही हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि बच्चे निकलने के बाद हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो नए टॉपिक पे फिर।